कानपुर नगर चंदन सोनकर की बहन मोनिका सोनकर की शादी वर्ष 2019 में विशाल सोनकर से हुई थी, जिस पर विवाद होने पर थाना सीसामऊ कानपुर नगर में FIR दर्ज हुई, जिसका मुकदमा अधिवक्ता महेंद्र कुमार शर्मा व अविरल शर्मा द्वारा लड़ा जा रहा है, जिस पर मधु कुमार यादव आदि द्वारा विरोध भी किया गया व जानलेवा गंभीर घटना की गई, जिसकी पैरवी दिनांक 8 फरवरी 2024 को समय लगभग 11:30 बजे कानपुर में पैरवी हेतु खड़े थे, तभी मधुकर कुमार यादव, नमन गुप्ता, राहुल द्विवेदी, राजीव यादव आदि ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे CM कोर्ट कानपुर नगर में हड़कंप मच गया, जिससे अधिवक्ता चंदन सोनकर की टांग टूट गई और उनके अधिवक्ता महेंद्र कुमार शर्मा व अविरल शर्मा के गंभीर चोटें आई हैं। ये लोग काफी दबंग लोग हैं, तो काफी दिनों से ये लोग पहले भी एक बार मारपीट कर चुके हैं और इन्होंने 8 तारीख को कोर्ट में मैं 11:30 बजे पैरवी के लिए खड़ा था। पैरवी का मतलब मैं बहस करने के लिए खड़ा था कि उनके खिलाफ आदेश होना था, तो उन लोगों ने आके घुस के कोर्ट पे मारपीट, गोली बंदूक, कट्टा, ये सब शुरू कर दिया, जिससे अफरा तफरी मची और हमारे क्लाइंट चंदन सोनकर के फ्रैक्चर आया। FIR लिखी गई गंभीर धाराओं में, लेकिन पुलिस तक अभी तक पुलिस ने ना तो किसी को गिरफ्तार किया है। इस घटना से कचहरी कानपुर नगर का एक बड़ा अधिवक्ता समूह नाराज है व आक्रोशित है। इस घटना की जानकारी कोतवाली थाना में दी गई है, जिस पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली है, पर पुलिस अभी तक अभियुक्तों की कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई। यह समस्त जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान अधिवक्ता महेंद्र कुमार शर्मा व पीड़ित अधिवक्ता चंदन सोनकर द्वारा दी गई। कानपुर नगर से प्रातः दर्पण न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।